हमारा एक व्हाइट टाइगर था, कैलाश नाम का, वो आज सुबह में डेथ कर गया है। ये टाइगर हमें जो उम्र है वो लगभग 14.5 साल का हो गया था, और व्हाइट टाइगर जो है नॉर्मल लाइफ स्पैन इन कैप्टिविटी जो जू में रहता है वो 10 से 12 साल 13 साल में डेथ करता है। दिक्कत ये था कि ये एनिमल को आज से 3-4 साल पहले हम लोग को नोटिस हुआ था कि इसको एक ऑस्टियोसारकोमा नाम का बीमारी है, जो कैंसर है, एक तरह का कैंसर है, बोन का कैंसर है। तो इसको मल्टीपल टाइम में, मतलब बहुत सारा जगह में शरीर में ट्यूमर हुआ था, जो मैलिग्नेंट बोलते हैं ना, बेनाइन ट्यूमर होता है जो एक जगह ही होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कई सारा जगह में फैलता है। तो ये मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर इसको डेवलप हुआ था, और जो राइट लेग है, जो ग्लूटियल एरिया है उसके ऊपर में, जहाँ पर फीमर बोन और पेल्विक बोन ज्वाइंट होता है, उस जगह में इसको ट्यूमर डेवलप हुआ, जिसके चलते इसको जो है चलने में दिक्कत हुआ। और एनिमल ग्रेजुअली जो है अपना वजन, अपना जो है फूड इनटेक, ये सब जो है कम करते गया है। और हम लोग बीते 2 साल से इसके बारे में चर्चा हो रहा था अपना हेल्थ एडवाइजरी कमेटी से, चूंकि ये मैलिग्नेंसी टाइप का था तो इसको अगर हम लोग सर्जरी करते तो ये और ज़्यादा फैलता, तो और पहले ही इसका डेथ हो सकता था। उनका सजेशन था कि इसको आप सर्जरी मत करो, इसको गुड फूड देना है और मेंटेन करना है। वी हैव ट्राइड दैट वन, और जो है ये लगभग 14.5 साल जो है हमारे यहाँ सर्वाइव किया। इसने 2 बार अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब तो इसके जो बच्चे हैं अभी 2 फीमेल टाइगर इसी का बेटी। तो इस तरह से जो है इसने अपना पूरा किया समय। दुख का बात यह है कि चूंकि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट एनिमल होता है बहुत नज़दीक का होता है, आप आज थोड़ा सा हम गमगीन है कि मेरा एक वाइट टाइगर था उसका देहांत हो गया, और ऐसा बीमारी से हुआ कि जो ठीक नहीं हो सकता था। इसी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो टाइगर था, हमारे पास जो 3 टाइगरों में दो दो फीमेल थी, एक मेल था। तो एक हमारा जो एक उनका जो एक वो होता ना, पेयरिंग पेयरिंग बिगड़ गई है उनमें। अब एक हमारे पास दो दोनों फीमेल बची हैं, और दुख तो इस बात का है कि हमारा पिछले 14 साल 15 साल से एक वाइट टाइगर हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, और लोग उसको देखने के लिए बहुत दूर से आते थे। तो बिल्कुल ये बहुत दुख की बात है कि हमारा एक टाइगर हमारा आज हमारे साथ नहीं रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेल टाइगर लाने की, बाहर से बातचीत चल रही है 2-4 जगह पर। तो जैसे ही मेल टाइगर आएगा तो हम इन फीमेल से ब्रीड कराएंगे, क्योंकि ये एक ही ये व्हाइट टाइगर जो होता है, कहते हैं रेसेसिव जीन होता है इसकी। अगर हम बाहर से दूसरे टाइगर से भी इसको मेट कराएंगे तो पूरे चांसेस है कि व्हाइट टाइगर के बच्चे पैदा होंगे उसके। तो हम लोग कोशिश चल रही है कि बाहर से मेल टाइगर लाने की, और जो हमारी फीमेल 2 फीमेल हैं उनके साथ पेयरिंग करके और फिर उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट, और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।